नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। खबर है सुल्तानपुर से। ट्रक की चपेट में आने से दंपति की हुई मृत्यु, दो बच्चे गंभीर रूप से घायल। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर मदनपुर पनियार के पास हुई घटना। आपको हम बता दें कि सुल्तानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक एक महिला की मृत्यु हो गई। ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार महिला की ट्रक से कुचलकर दर्दनाक मृत्यु हो गई। पति व दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उप जिलाधिकारी ने अपने वाहन से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान पति की भी मृत्यु हो गई और घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। घटना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही में जुट गई है। आपको हम बता दें कि दरअसल जौनपुर जिले के खुटहन थाना के अंतर्गत रामनगर किलकिछा निवासी संतलाल निशा पत्नी किस्मति व दो बच्चों को लेकर बाइक अपने ससुराल लंबो कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर हरिवंश जा रहे थे। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर मदनपुर पनियार गांव के पास मुड़ते समय ट्रक की चपेट में आ गए। पत्नी की ट्रक के पिछले पहिए से नीचे कुचलने से दर्दनाक मृत्यु हो गई, वहीं पति व दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे लंबुआ उप जिलाधिकारी वंदना पांडे ने सभी घायलों को तत्काल अपने वाहन से जिला अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इलाज के दौरान पति ने भी दम तोड़ दिया। दोनों घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। कोतवाली प्रभारी शिवकांत त्रिपाठी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। क्या घटना हुई सर? अपने घर से आ रहे थे, लंबुआ में पहुँचे, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। काहे काहे के बीच हुआ? लंबुआ और मदनपुर के बीच में। काहे से टक्कर? ट्रक से और बाइक से। मृतक दोनों का नाम बताओ। मृतक का नाम संतलाल है और किस्मती। कितनी उम्र होगी? 30 साल किस्मती की होगी, 32-33 साल उनकी होगी संतलाल की। मृतक के गांव का नाम क्या है? रामनगर। पूरा नाम बताओ। रामनगर जौनपुर। रामनगर जौनपुर। ये लोग वहां से कहां जा रहे थे? पापर घाट आ रहे थे। आया है इसमें बाइक और ट्रक का एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जिसमें दो बच्चे घायल अवस्था में यहाँ लाए गए हैं। अभी दोनों बच्चे स्टेबल हैं, नॉर्मल हैं, उन्हें एडमिट कर लिया गया है और दो लोग उनकी मृत्यु हो चुकी है। दोनों की बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए रखवा दी गई है मॉर्चरी में। आज लंबुआ तहसील में एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक बाइक सवार परिवार को एक ट्रक से टक्कर होने के कारण जो महिला थी उनकी तत्काल मृत्यु हो गई थी और जो हस्बैंड हैं वो चिकित्सालय में आने पर उनकी डेथ हो गई है। हालांकि वहां से हमारे एसडीएम ने बहुत ही सूझबूझ दिखा करके तत्काल उनको मूव कराया, उसके कारण उनके साथ जो दो बच्चे थे उनका उपचार हो गया है, अभी वो ठीक हैं। इनके परिजनों से संपर्क। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।